कार्ड नाउ दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन देखिए कितना इंटरकनेक्टेड है अभी न्यू विजन जब आया तो उसके बाद ट्रांसफॉर्म होना तो बनता है कि जब आपने चीजों को रियलाइज कर लिया और अगर आप इसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे सो दैट हैज बीन मेड इन अ वेरी सिंपल फॉर्मेट आप आसपास देखिए नेचर से कनेक्टेड चीजें हैं सारी जो आप कलर्स भी देखेंगे तो बहुत वाइब्रेंट नहीं है अगेन चक्रा कलर्स को इसमें ज्यादा यूज किया गया है जो बीच में आप देखेंगे ब्लैक इमेज uh, अब इसके आप हाथों में देखेंगे तो हर वो चीज है जो चाहिए होती है देखिए आपको एक बारी दिखाती हूँ कमल का फूल हो गया ठीक है देन हियर दिस इज वेपन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहां से कनेक्ट करने के लिए भी माध्यम हाथ ये वाला देखिए तो नेचर से कनेक्ट कर रहा है और यहाँ पे पूरा एनर्जी कंट्रोल एंड देन व्हाट इज हैपनिंग इज के पूरी बॉडी अगर आप देखें तो लाइट एमिट कर रही है पूरी बॉडी पे अगर आप देखें लाइट एमिट हो रही है और कलर्स अगर हम देखेंगे तो ज्यादातर कलर्स जो हैं वो चक्रास के हैं चाहे वो आप वॉयलेट ले लें ब्लू ले लें ग्रीन ले लें तो अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड एक्चुअली कहता क्या है जो सेंट्रल फिगर है वो बैठा है एक बड़े से फूल पे और सिंबल्स होल्ड किए हुए हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन के स्वॉट क्या करती है जो तलवार वेपन उन्होंने लिया हुआ है वो क्या करती है इल्यूशन को काट देती है नीचे हाथ में जो स्नेक है स्नेक का काम क्या है पुरानी जो उसके शरीर की छाल होती है वो उतरती है और नई आती है तो इसका मतलब कि खुद की जो पुरानी रूढ़ीवादी सोच है उसे उतार के नई को अपनाना ये सिर्फ शारीरिक नहीं होता ये अंदरूनी तौर पे भी होता है तो जब हम अपने पुराने चेन्स को तोड़ेंगे लिमिटेशन को तोड़ेंगे फिर जो आपने एक हाथ में बॉल सी देखी थी एनर्जी सोर्स दैट वॉज रिप्रेजेंटिंग यिन यान सिंबल, यानी कि मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जी जिसे हम शिव शक्ति भी कहते हैं चाइनीज में से यिन यान कहते हैं फिर वन ऑफ इट्स हैंड रेस्ट ऑन इट्स लैप जो आ, नीचे की ओर हाथ है तो वो क्या है ओपन है और रिसेप्टिव है वो रिसीव करने को तैयार है दूसरा हाथ नीचे की तरफ आ, टच कर रहा है टू द माउथ ऑफ स्लीपिंग फेस इसका मतलब साइलेंस दैट कम्स व्हेन वी आर एट रेस्ट जब हम आराम कर रहे होते हैं तब शांति हो जाती है तो ये टाइम क्या है ये टाइम है लेट गो करने का ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा जब पुरानी चीजें हम लेट गो करेंगे कोई भी दर्द है कोई भी दुख है पीड़ा है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए कि वो एग्जिस्ट करता है लेकिन इतना नहीं कि वो आप पे हावी हो जाए ठीक है कुछ चीजें एग्जिस्ट करती हैं प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट करती है लेकिन हम सोल्यूशन की ओर देखते हैं तो वैसे ही करना है कि यू ओनली हैव टू फेस टूवर्ड्स द सोल्यूशन और ये वैसा एक्सपीरियंस हो जाएगा जैसे गौतम बुद्ध का हुआ था जब वो काफी सालों तक ढूंढते रहे सत्य की खोज में रहे और उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें कुछ नहीं मिल रहा तो उन्होंने वो खोज बंद कर दी कि वो कुछ कर नहीं सकते और जब बंद करके आंखें बंद करके वो बैठ गए सो देन ही एक्चुअली रिलीज एवरीथिंग उन्होंने लेट गो किया लेट गो किया अपने सवालों को उस दर्द को अपनी खोज की कोशिश को हर चीज को लेट गो किया उन्होंने और तब वो जब आराम से बैठे तो ही रिसीव्ड एनलाइटनमेंट ट्रांसफॉर्मेशन आता है कैसे आता है जैसे डेथ आती है अपने समय पे ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन वो आपको एक नए डायमेंशन में ले जाता है उससे पहले बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे आपको एक पॉइंट पे आके ऐसे लगेगा कोई जवाब नहीं मिल रहा है आप अकेले पड़ गए हो बट देन इट इज टाइम फॉर यू टू ट्रांसफॉर्म वो बदलाव सिर्फ आपके साथ होने हैं इसलिए सिर्फ आप ही उस सिचुएशन में हो और कोई नहीं है आप किसी को समझाने की भी कोशिश करोगे कोई नहीं समझ पाएगा क्योंकि ये टाइम ऐसा है जब आपको खुद को रियलाइज करना है तो आपको इस समय क्या करना है हर चीज को लेट गो करना है पुरानी चीजें कुछ आप पकड़ के चल रहे हैं उन्हें जाने दीजिए चाहे वो दुख है चाहे वो दर्द है चाहे वो कुछ भी है उसे बस बह जाने दीजिए अब कई लोग क्या करते हैं इनफैक्ट हम सबने ही कभी ना कभी किया होगा जो हमारे वंस uh, होते हैं जो दुनिया छोड़ के जाते हैं हम उनकी चीजें संभालते हैं उनकी याद उनकी निशानी समझ के उनके जो पुराने कपड़े होते हैं ऐसा माना जाता है और uh, ये चीज वास्तु में भी हम लोगों ने पढ़ी है कि ये चीजें नहीं रखनी चाहिए उसका एक रीजन होता है जो गया है वो अपने पीछे बहुत सारी ऊर्जाएं अपनी छोड़ कर गया है अब सपोज हम लोग क्या करते हैं जो उनकी ज्वेलरी होती है स्पेशली द ज्वेलरी इज गिवन टू एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू फैमिली मेंबर्स तो वही सेम ज्वेलरी को ना पहन के उसे आप एक्सचेंज करा लें तो तो उनके आशीर्वाद के फॉर्म में रहेगा लेकिन अगर आप वही सेम ज्वेलरी खुद पहनते हैं तो आप उनकी एनर्जीज को अब्जॉर्ब करने लग जाते हैं घड़ी ज्वेलरी कपड़े ये बहुत ही आसान माध्यम होता है किसी की भी एनर्जीज अब्जॉर्ब करने का तो इसलिए जो अब फिजिकल फॉर्म में जीवित नहीं है उनकी एनर्जी अब्जॉर्ब करके कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारे चीजें हमें मिलेंगी कई बारी नेगेटिव थॉट्स भी रहते हैं फेयर भी रहता है अब कोई बीमारी से पीड़ित है तो उसके मन में जो दुविधाएं चल रही हैं या जो परेशानियां हैं हम वो अब्जॉर्ब करने लग जाएंगे मान लीजिए अपने लास्ट मोमेंट पे किसी ने कोई बैंगल या रिंग वगैरह पहनी हुई थी अब उस मोमेंट पे क्या था कि उनके साथ कुछ फिजिकल एलमेंट थे वो हॉस्पिटल में थे अब हमने कौन सी एनर्जी अब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया हमने वही नेगेटिविटी तो इसलिए वी हैव टू लेट इट गो वुड अटैचमेंट की बैरियर्स हमें तोड़ना है हमें क्या करना है कि ठीक है अगर उनके एंड से ये आया भी है तो हम इसे चेंज करवा के नए फॉर्म में पहनेंगे तो क्या किया हमने परिवर्तन कर दिया नया जन जैसे उन्होंने भी शरीर त्याग के उनकी आत्मा ने एक नए शरीर में जन्म दोबारा लिया होगा तो उन्होंने भी तो चोला बदला तो हमने भी वही बदल दिया जो संसार का नियम भी है सो so, ट्रांसफॉर्मेशन हर किसी की लाइफ में होता है और एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन तक होता है जो जैन में मास्टर है वो सिर्फ एक टीचर नहीं होता हर रिलीजन में देखिए टीचर्स होते हैं वो आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे हर उस चीज का ज्ञान देंगे जिस बारे में आप नहीं जानते आप उन पे विश्वास करेंगे क्योंकि उनके अनुभव से वो आपको पढ़ा रहे हैं अब इसमें कई चीजें ऐसी होती हैं जो टीचर को नहीं पता उन्होंने कभी खुद भी चाहे विश्वास नहीं किया हो लेकिन उन्होंने किसी और को ट्रांसफर कर दी वो नॉलेज अब जैसे सिंपल सी बात है मैथ्स की इक्वेशंस पढ़ा रहे अब उस इक्वेशन को आपने प्रैक्टिकली कभी लाइफ में अप्लाई नहीं किया पर क्योंकि आपने पढ़ी हुई है आपने लेके वो आगे पढ़ा दी चाहे आपने अपने बच्चों को पढ़ाई चाहे अपने दूसरे बच्चों को पढ़ाई आपने खुद उस पर प्रैक्टिकली कभी काम नहीं किया बहुत सिंपल सी बात है ट्रिग्नोमेट्री नेवी में यूज होती है हम सब नेवी ऑफिसर्स नहीं है लेकिन हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो सब्जेक्ट तो हम क्या करते हैं वो नॉलेज हम आगे पास करते हैं जेन जो है जेन एक ऐसी वर्ड के लिए यूज किया है जो कि वर्ल्ड का बिलीवर नहीं है ये वो सोल्स हैं जिनमें उतनी डेरिंग होती है जो बिलीफ को पुराने बिलीफ सिस्टम को तोड़ के अपनी नई चीजें ला सकते हैं लोगों के सामने चाहे वो दिमाग में हो चाहे एग्जिस्टेंस की बाउंड्रीज को तोड़ने पे हो तो बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं इसलिए जेन इज इन्वॉल्व इन मेटामोफिस जैसे आप देखते हैं कि जो लावा होता है जो तितली के अंडे से उसकी लाइफ साइकिल का स्टेज होता है उसमें जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं मेटामोफिसिस क्यों क्योंकि तितली के पंख होते हैं अंडे से जब वो एक छोटे से कैटरपिलर के फॉर्म में आता है तो वो एक रेंगने वाला कीड़ा हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे और चेंजेस आते आते जब उसके पंख डेवलप होते तो वो उड़ने वाली एक सुंदर सी तितली बन जाता है सो दिस इज वॉट दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन ये आपके बेस को चेंज कर देता है और हर बारी एक नया रूप देता है इसकी भाषा कोई नहीं होती बस समझी जाती है इसमें आप अपना दिमाग नहीं लगाते अपनी इंटेलेक्ट नहीं लगाते आप ना तो इसके बारे में चिंता करते हैं और ना ही आप इसको आ, डाउट करते हैं कि बिलीफ सिस्टम है कैसे रहेगा तो गौतम बुद्ध ने कहा था कि 84,000 डोर्स खुल जाते हैं जब आप इस स्टेज पे आते हैं जेन स्टेज पे Zen stage basically वो स्टेज है जहां आपका दिमाग कुछ नहीं कहता शून्यता बोलते हैं हम उस स्टेज को और शून्यता वो स्टेज है जहां यूर जस्ट फ्लोइंग एंड गेनिंग एक्सपीरियंस आप एक्सपीरियंस गेन करते हो उससे आप अपने अनुभव से वो ज्ञान प्राप्त करते हो ना कि किसी के कहने से किसी के सुनने से जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था हम मैथ्स पढ़ाते हैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं तो ये क्या है ये हमने किसी के कहने सुनने से खुद ग्रहण किया और उसे आगे पास ऑन कर दिया अनुभव से कैसे होगा जब हम खुद इसे प्रैक्टिस करेंगे या अनुभव करेंगे हम वो पढ़ाएंगे जैसे आपने जो हम लोग किचन में काम करते हैं तो हम अपने अनुभवों से बहुत चीजें सीख जाते हैं कि ये मेजरमेंट इतने खाने के लिए काफी है इतना नमक इतने खाने के लिए काफी है तो ये क्या हुआ ये अनुभव से बहुत से लोग हाथ से डालते हैं अनुभव से आया ये किसी के कहने सुनने पे नहीं सीखा आपने अपने अनुभव से तय किया तो उसी प्रकार से ये जितने ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं जो अनुभव से आते हैं वो जेन स्टेट की ओर ले जाते हैं आपको राइट अब अगर ये कार्ड आपका आ जाता है रीडिंग में ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड तो ये कार्ड ये बताता है कि कुछ चेंजेस आने वाले हैं चेंजेस क्या आने वाले हैं अगर रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप में बिलीव स्टेट में कुछ चेंजेस आएंगे करियर में है तो करियर में उनका जो भी अभी तक चल रहा था उसमें हो सकता है कि उनके प्रोफाइल में चेंजेस आ जाए हो सकता है जहां वो बैठते हैं वहां चेंजेस आ जाए तो इसके आसपास के कार्ड्स भी हमें देखने होते हैं टू कंप्लीट द रीडिंग बाकी ये है कि ये कार्ड्स हमें इतना तो बता देते हैं कि ये घटना अब होने वाली है या हो रही है तो इसमें अब आप देखिए बहुत सारी जैसे हमने देखा एनर्जीज इन्वॉल्व है के पुरानी बिलीफ सिस्टम उतर के नया आ रहा है तो चेंजेस जब आएंगे तो वो पुरानी चीजों को हिलाएंगे पुरानी चीजें वहां से खत्म होके नया होगा राइट एनी क्वेश्चन